नमस्कार दोस्तों, आज हम पत्ते के पापड़ बना रहे हैं। पापड़ बनाने के लिए हमने चावल ले लिया है, आप कोई भी चावल का यूज कर सकते हैं। हमने पापड़ बनाने के लिए मोटे का चावल लिया है, ये चावल थोड़ा मोटा होता है। हम इसमें अब पानी डाल देते हैं। हमें ये चावल को पानी में 2 से 3 दिन तक के रखना होता है। 2 से 3 दिन के बाद में चावल कुछ इस तरह से हो जाते हैं। चावल को हमें अच्छे से 2 से 3 पानी वॉश करके धूप में सुखा देना होता है। धूप में सुखाने के बाद में हमने इसका पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा चावल ग्राइंडिंग जार में भी पीस सकते हैं। हमें जितने चावल के आटे का पापड़ बनाना है हमने उतना आटा ले लिया है और इसे अच्छे से छान लेते हैं। इस तरह से इसमें अगर कुछ कण रहते हैं तो वो निकल जाते हैं। आटे को अच्छे से छान लेने के बाद में हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं और 1 कटोरी मही डाल रहे हैं। मही यानी हमने थोड़े से दही को अच्छे से पीस लिया था। अब हम इसे आटे में मिला देते हैं और आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देते हैं। हमें आटा ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें थोड़ा हार्ड ही रखना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रहे हैं और इस तरह से हमें आटे की कंसिस्टेंसी रखनी है। अब हम इसे 1 दिन के लिए कवर करके रख देते हैं। 1 दिन के बाद में जो ये आटा है बहुत ही ज़्यादा फ्लफी हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। जैसे हम इडली डोसे का बैटर बनाते हैं, हमें उसी तरीके से इसका बैटर बनाना है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, 1 चम्मच हम इसमें जीरा डाल देते हैं और थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के टाइम पे अगर पानी लग रहा है तो इसमें डाल सकते हैं। हमें इस तरह से बैटर बना के रेडी कर लेना है। अब हम एक बड़ी सी गंजी ले रहे हैं, इसमें हम पानी डाल देते हैं। गंजी में हमने धो के पैरा डाल दिया है। चावल के जो सूखे हुए पौधे होते हैं उसे पैरा कहते हैं। अब हम इसको कवर कर देते हैं और हमने इस तरह से पलसे के पत्ते ले लिए हैं। ये जो पत्ते के पापड़ होते हैं इनका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसकी डंठल निकाल लेते हैं और इस तरह से हमने पत्ते को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे साफ कपड़े से पोंछ लिया है। हमने 1 कटोरी में ऑयल ले लिया है और इसे पत्ते पे अच्छे से लगा देते हैं। इससे जो पत्ते पे पापड़ बनते हैं वो बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। अब हमने जो बैटर तैयार करके रखा हुआ है ये पत्ते पे डाल देते हैं और पत्ते को धीरे धीरे मूव करते हैं और इस तरह से ये पापड़ बन के रेडी हो जाता है। ये पापड़ बनाने में बहुत ही मज़ा आता है, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कर देखिए। हमने जो चूल्हे पे बर्तन रखा हुआ है हम इसे चेक कर लेते हैं कि इसमें स्टीम आ रही है या नहीं आ रही है। अब हम इसमें पापड़ डाल देते हैं। अब हम इसे कवर करके पकने देते हैं। इसके पकते तक के दूसरा पापड़ हम रेडी कर लेते हैं। ये पापड़ के बनाते तक के जो हमने स्टीम करने पापड़ रखा हुआ था वो पक जाता है। आप चाहे तो इस तरीके से भी चम्मच की हेल्प से पापड़ बना सकते हैं। और इस तरह से पापड़ बना के रेडी कर लिए हैं और ये पापड़ को चेक कर लेते हैं। ये पापड़ बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और जो पापड़ हमने बना के रखा हुआ है वो हम डाल देते हैं। इस तरह से पापड़ बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। आप चाहे तो इन पापड़ को अचार चटनी के साथ में खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अक्सर हम ये पापड़ सुखाने की जगह खाने के लिए ही बनाते हैं और इतने सारे हमने पापड़ बना के रेडी कर लिए हैं। ये पापड़ को निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से ये पापड़ निकल जाते हैं। अगर आपके पास में पत्ते अवेलेबल नहीं है तो आप ये पापड़ प्लेट में भी बना सकते हैं, कोई थाली में भी बना सकते हैं। जिस तरह से हम ढोकले स्टीम में बनाते हैं उसी तरह से आप ये पापड़ बना सकते हैं। ये पापड़ अचार के साथ में, सरसों के ऑयल के साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हम कुछ पापड़ को धूप में सुखा देते हैं। इस तरह से हमने पापड़ पत्ते से निकाल लिया है और एक पॉलीथीन पे हम इसे सुखा रहे हैं। अगर धूप कड़क है तो एक धूप में ही ये पापड़ बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं और ये पापड़ सूख गए हैं। अब हम इसे तल लेते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और हमने इसमें पापड़ डाल दिया है। आप देख ही सकते हैं पापड़ का जो साइज़ है वो डबल हो गया है। अब हम इसे दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लेते हैं और इसे अब हम ऑयल से निकाल रहे हैं।
इसी तरीके से हम और एक पपड़ तल लेते हैं। ये पपड़ का स्वाद बाकी पपड़ों से काफ़ी अलग होता है। आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।